नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीआना न्यूज। मैं शेखर उप्पल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की तरफ। जर्जर भवन, खंडर होती इमारत, खौफ का साया। यह कोई भूत बंगला या खंडर नहीं, बल्कि सिंचाई विभाग का एक कार्यालय है। यहां जान में जोखिम डालकर काम कर रहे हैं कर्मचारी। इस कार्यालय में पदस्थ है विभागीय एसडीओ और सब इंजीनियर, जो बमुश्किल ही यहां मिलते हैं। यदि आपको कभी इनसे मिलना हो तो कोई शासकीय कार्य या फिर बैठक हो, तभी आप इनसे मिल सकेंगे। उक्त मामला सिंचाई विभाग का है। चाचोड़ा तहसील मुख्यालय पर स्थित सिंचाई विभाग का कार्यालय जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, विभाग के इस कार्यालय में कर्मचारियों ने कई बार सांप, नेवला और अन्य खतरनाक जीवों को भी देखा जा सकता है। इन परिस्थितियों में विभाग के कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर यहां काम करने को मजबूर हैं। कार्यालय में पदस्थ बाबू घनश्याम सिंह मीना ने बताया कि उनके विभाग में कई बार भवन की मरम्मत के लिए पत्र भी लिखा है, लेकिन कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई। हमें ज्यादा समस्याएं आती, ये बारिश में पानी भी टपकता है इसमें से, और अड़ोस पड़ोस जंगल एरिया से सर्प, बिच्छू, कोयला आदि जानवर भी आते। हाँ, हमने इसकी 2 साल पूर्व लिखित सूचना दी थी हमारे अनुविभागीय अधिकारी महोदय को, जिसमें उन्होंने निर्देश भी संबंधित सब इंजीनियर को दिए थे। अब उसका पता नहीं कि वो किस हालत में कार्य हो रहा है। अब जर्जर बिल्डिंग में तो बरसात के समय, हो सकता है किसी भी समय बारिश में हवा तूफान आने पर बिल्डिंग गिर सकती है, तो हमारे जान मान को खतरा हो सकता है। भवन कितना पुराना है इसका कोई प्रमाण तो नहीं, लेकिन इस इमारत की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भवन कितना पुराना होगा। इस भवन की हालत इतनी खराब हो गई है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। यदि यहाँ पर कोई हादसा होता है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? पानी बरसता है, बिल्डिंग भी जर्जर पड़ी है, एकदम डर भी लगता है। जान में चोर लेके आते हैं, बस और क्या, बस यही समस्या आती है बस। बिना गन से हमारे संवाददाता शिवम नामदेव की रिपोर्ट। शासन की इतनी कवायदों, इतने प्रसार प्रचार के बाद भी भगवान भरोसे चल रहे हैं ग्राम के शासकीय विद्यालय। जामनेर जन शिक्षा केंद्र के ग्राम टोडरा स्थित शासकीय हाई स्कूल, माध्यमिक विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय सुबह 11:20 पर भी बंद मिलता है। यहाँ पर जो लोग आते हैं वे भी सिर्फ गिने चुने शिक्षक। इस हाई स्कूल में पदस्थ आधा दर्जन शिक्षक हैं, जिनमें से मात्र 2 ही उपस्थित मिले। साथ ही विद्यालय खुलने के 1 माह बाद भी यहाँ कोई छात्र उपस्थित नहीं मिला। ऐसा नहीं कि यहाँ स्कूल खुलने का पता किसी को ना हो, राज्य सरकार मुक्त हस्त से शिक्षा के प्रसार प्रसार पर पैसा खर्च कर रही है, उसके बाद भी इस गांव में कोई असर देखने को नहीं मिलता। क्या होगा शिक्षा देने वाले इन शिक्षकों का, जो खुद ही कुछ करना नहीं चाहते, जबकि शासन का नियम है कि शिक्षकों को खुद घर घर जाकर बच्चों का नाम लिखवाने हैं और बच्चों को स्कूल तक लेके आना है। देखो, तुम भले फोटो खींच लो, मेरी बात सुनो। ये जो है ना, ये सब बता के गए, ये ओडी पेमेंट है। जामनेर से हमारे सहयोगी अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। पमोरी क्षेत्र में मवेशियों से भरे 3 ट्रक पकड़े गए। इनमें करीब 150 मवेशी भरे हुए थे। इनको इतनी ठूस ठूस के भरा गया था कि उनमें से कुछ की टांगें भी टूटी हुई थी। इन गाड़ियों को बमोरी क्षेत्र के लोगों ने पकड़कर पुलिस के सुपुर्द किया। हालांकि पुलिस ने क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर लिया है,
पर एक बड़ी बात है जो हर बार मवेशियों से भरी गाड़ियां पकड़ने के बाद दिखाई देती है, वो ये कि गाड़ियां हमेशा आसपास के लोग ही पकड़ते हैं, पुलिस क्यों नहीं? क्यों कोई पुलिसकर्मी किसी भी गाड़ी को आज तक खुद पकड़ के नहीं ला पाता? सूत्रों की माने तो गाड़ियां यहां से निकालने के लिए सभी को बराबर पैसा मिलता है। शायद यही कारण है कि जब भी कोई आम आदमी या जन इस गाड़ी को पकड़ता है तो ही मामला मजबूरी में दर्ज किया जाता है। हालांकि हमारे पास इस बात का ऐसा कोई भी तथ्य या प्रमाण मौजूद नहीं है जिससे हमारे सूत्रों की बात सही समझी जाए। अभी कुछ दिन पूर्व भी ग्रामीणों ने बजरंगढ़ थाना क्षेत्र में ऐसे ही एक ट्रक को पकड़ा था। बड़ा सवाल यह है कि क्या कर रही है हमारी पुलिस जो गाड़ियां खुद नहीं पकड़ पाती? क्या हम ये माने कि हमारे सूत्रों की कही बात सही है? राशन को चूना लगाने के बाद अब प्रशासन लगा है लीपा पोती करने। प्याज की आवक के साथ ही हमने अपने न्यूज पर आपको आगाह किया था कि प्याज की क्वालिटी काफी ही खराब है। आज हमारी उस खबर पर मोहर लग गई जब बेलोनिया पर सड़ी हुई प्याज को दफनाने के लिए गड्ढों को खोदा जाना शुरू किया गया। उन गड्ढों में जो लोग काम कर रहे हैं उनका बहुत ही बुरा हाल है। गड्ढों में प्याज भरकर उन्हें दफनाया जा रहा है। प्याज की दुर्गंध इतनी तेज है कि वहां काम करने वाले लोगों से सहा भी नहीं जा रहा है और वो भी आधे गड्ढे भरकर ही छोड़ देते हैं। विगत दिवस मंडी प्रांगण में 4 गायों की मौत इन सड़े हुए प्याजों को खाने से हुई थी, जिसकी पुष्टि SDM दिनेश शुक्ला ने भी की थी। यदि बेलोनिया पर गड्ढों में प्याज ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो वहां पर और भी मवेशी मर सकते हैं। क्या नाम है आपका? हीरा सिंह राठा। बताएं इधर बेलोनिया पे आप क्या कर रहे हैं? जी प्याज के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। कितने गड्ढे खोदे हैं अभी तक? अभी तक 3 गड्ढे खोदे हैं। तो इसमें प्याज डल गई? कितनी डल गई प्याज? कितनी प्याज डल गई? प्याज डलेगी है? अभी थोड़ी बहुत डल गई है, पुरानी डल रही है। वो ठीक से दवाई क्यों नहीं है? दवाएंगे और प्याज दवाएंगे, बदबू आ रही है। सावन के मौके में भक्ति भाव के साथ झूम रहा है शहर। शहर में इन दिनों चल रही है रामकथा। उक्त रामकथा जाट मोहल्ला स्थित अग्रवाल धर्मशाला में की जा रही है। इस रामकथा में प्रवक्ता के रूप में जगत गुरु शंकराचार्य हैं, जिनके मुखारबिन से श्री रामकथा का पाठन सुनकर लोग मोहित हो रहे हैं। आज इस रामकथा का 4th दिन था। इसमें कथा सुनने वाले शहर के कई भक्तजन इकट्ठे हुए। आपको बता दें कि जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी आत्मानंद सरस्वती श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण न्यास अयोध्या के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। अग्रवाल धर्मशाला में इन दिनों श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है।
शहर में जहां एक ओर श्री राम कथा का पाठन हो रहा है, वहीं पर दूसरी ओर बह रही है ज्ञान की गंगा। इसी तारतम्य में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन मानस भवन में किया जा रहा है। आज भागवत कथा का दूसरा दिन था। इस कथा में वक्ता के रूप में महामंडलेश्वर स्वामी श्री शांति स्वरूपानंद गिरी उज्जैन से आए हुए हैं। स्वामी जी के मुख से कथा सुनने के लिए बड़ी तादाद में भक्तजन मानस भवन पहुंच रहे हैं। कईयों को पैसा ही बड़ा मान, किसी से प्रेम किया है उसने मगर नहीं मारा है हमको, तो किसी से प्रेम नहीं है। लेकिन ध्यान रहे केवल मकान में आसक्ति हो जाए, और भक्ति का मतलब है जो जगत की आसक्ति को हटाकर जो भगवान में आसक्ति जोड़ दे उसी को तो भक्ति कहते हैं। तो अभी तो हमारी जो सुन ले बस बे सभी सत्संगियों सुन लो, मैं सच कह रहा हूं सांच कहो सुन ले बस बे जिन प्रेम कियो इन्हें ही प्रभु पायो। हमारे गुरु जी ने ऐसा बोलते हैं कि तुमने कभी संसार में किसी से प्रेम है वो कहीं झूठ है, विदुर ने वो भी झूठ, और तीर्थ में और वो तीर्थ में भी ऐसे रहने लगे कि उनको कोई पहचान ना सके। पहचान लेगा तो और लोग सोचेंगे अरे हस्तिनापुर के है ये तो धर्मराष्ट्र के है। डीजाना न्यूज में आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। सोमवार को डीजाना न्यूज पर एक बड़ा खुलासा, देखिए किस तरह से सरकारी उपक्रमों को चूना लगा के लोग कर रहे हैं काम, शासकीय योजनाओं एवं नियमों को धता बताते किस तरह से लोग सिर्फ पैसा बटोरने में लगे हैं। बने रहिए हमारे साथ।